एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एम एस स्टडी फॉर पैटर्न टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज फोर्टीन ऑफ चैप्टर फोर्टीन कंस्ट्रक्शन एंड अ पेयर ऑफ ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी इक्वल्स टू सेंटीमीटर ड्रॉ अपरपेडिकुलर बाइसेकटर ऑफ पी क्यू ठीक है तो हमें इस सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेप क्या होगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर तो यहां पर रूलर और पेंसिल की हेल्प से सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं एंड नेम इट पी क्यू स्टेप नंबर टू हो जाएगा विद पी एस सेंटर एंड रेडियस मोर देन ड्रॉ आक्स वन ऑफ ईच साइड ऑफ पी क्यू ठीक है तो पी को हमें सेंटर लेट करना है और मोर देन पी क्यू हमें रेडियस लेनी है उसके बाद क्या करना है क्यू के दोनों साइड हमें आर्क लगानी है ठीक है थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका विद क्यू एज सेंटर एंड सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ आर्स Cutting the previously drawn arcs at A and B respectively. अब देखिए थर्ड स्टेप में क्यू को सेंटर लेना है और रेडियस उतनी ही है जितनी पहले थी चेंज नहीं करना है और हमें क्या करना है इनको कट कर देना है दोनों आर्क को ठीक है तो यहाँ पर इसको नेम देंगे हम ए और इसको नेम देंगे बी ठीक है तो हमारे दो आर्क मिल गए हमें यहाँ पे नो फोर्थ स्टेप इज जॉइन ए बी मीटिंग क्यू एट सी ठीक है देन ए सी एस दर्पेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ पी क्यू तो अब हमें क्या करना है रोलर की हेल्थ से ए और बी को ज्वाइन कर देना है और देखिए ए बी जो है वो पी क्यूब को एक पॉइंट पे कट करें इस पॉइंट को नेम देंगे हम सी तो ए सी जो है वो पी क्यू का क्या है परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बाई सेक्टर है क्योंकि यहाँ पे नाइन्टी डिग्री का एंगल भी बन रहा है और इन दोनों को ये इक्वली डिवाइड भी कर रहा होगा देख लेते हैं मेजरमेंट करके अगर हाफ ऑफ थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट वन आ रहा है एग्जैक्ट आ रहा है ठीक है और प्रोटेक्टर की हेल्प से देख लेते हैं क्या ये नाइन्टी डिग्री एंगल पे बन रहा है तो यस एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री पे है ठीक है तो हमारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल राइट है नाउ क्वेश्चन नंबर टू ड्रॉ अगमेंट एबीस टू फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर ड्रॉ दी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वन के जैसा क्वेश्चन है ठीक है फिर भी मैं आपको इसके स्टेप्स और कंस्ट्रक्शन फटाफट फटाफट -फटा करके दिखा देती हूँ तो नंबर वन स्टेप क्या होगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा विद ए एस सेंटर एंड रेडियस मोर देन ड्रॉ आक्स वन ऑफ इच साइड ऑफ ए बी थर्ड स्टेप होगा विद बी एस सेंटर एंड Same radius as before draw arcs, cutting the arcs, cutting the previously drawn arcs at P. एंड क्यू रेस्पेक्टिवली फोर्थ स्टॉप हो जाएगा आपका जॉइन पी क्यू मीटिंग ए बी एट आर देन देन पी आर इज देंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी ठीक है तो ये तो हो गई है आपकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो पहला स्टेप था हमारा ए बी हमें ड्रॉ करनी है लाइन सेगमेंट फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तो 5.6 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं इट ए स्टेप है, ए एस एंड मोर देन हाफ ऑफ ए बी हमें लेना है एज अ रेडियस एंड हार्क ड्रॉ करनी है वन अप साइड एंड वन डाउन साइड ठीक है ये हो गया हमारे स्टेप नंबर टू नाउ स्टेप नंबर थ्री इज टेकिंग बी एस सेंटर ठीक है और पहले वाली ही रेडियस है हमारी हमें फिर से इन दोनों आर्क्स को कट करना है और इनको नेम दे देना है P एंड Q नो फोर्थ स्टेप है हमारा P और Q को ज्वाइन कर देना है इन दोनों को जो हमने ज्वाइन किया तो पी क्यू जो है वो एबी को कट करी जिस पॉइंट पे उस पॉइंट को हम आर नेम दे देते हैं सो पी आर इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ए बी ओके क्वेश्चन नंबर थ्री ड्रॉ एन एंगल इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी गिवन इन द एजनिंग फिगर ठीक है यहाँ पे आपको ये जो फिगर दी हुई है एंगल ए ओ बी इसी के जैसा बिल्कुल सेम एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है ठीक है तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा ड्रॉ अरे ओ एक्स ठीक है तो ओ एक्स को ड्रा करते हैं ओ एक्स ड्रॉ करते हैं किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है वो ठीक है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है हमें एंगल चाहिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ओ और ये हो जाएगा एक्स ना स्टेप नंबर टू इज विद एक्चुअली यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं ये हो जाएगा आपका वाई एंड एक्स बिकॉज इन इन दिस फिगर ओ इज ऑलरेडी टेकन सो हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा तो इसको हम नेम दे देते हैं वाई ओके okay? इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे ओके ना विद ओ एसेंटर एंड Any radius. Draw an arc cutting AO and OB at P and Q respectively. ठीक है अब ओ को सेंटर लेट करके और कोई भी एक स्विटेबल रेडियस लेके हमें क्या करना है ओ ए और ओ बी को एक आर्क से कट करना है ठीक है और इन आर्क से जहां पर ये कट हुआ है इनको हमें नाम दे देना है पी एंड क्यू नॉस्ट स्टेप नंबर थ्री विद वाई एस Center and same radius. Draw an arc cutting YX at R. अब देखिए वाई को सेंटर लेट करके उतनी ही रेडियस है जितनी हमने पहले ली थी उसको चेंज नहीं करना है और फिर से एक आर्क ड्रॉ करना है ठीक है और इस आर्क ने वाई एक्स को जहाँ पे कट किया है उसको हमें नाम दे देना है आर ठीक है स्टेप नंबर फोर विद आर एस सेंटर एंड रेडियस एस पी क्यू कट द आर थ्रू थ्रू आर एट एस अब हमें कंपास को इतना ओपन करना है जैसे पी और क्यू के इक्वल ठीक है ये देखिए पी क्यू इक्वल है अब हमें क्या करना है आर को सेंट्रल एड करके हमें इस आर्क पे एक कट लगाना है और ये जहां पर कट लगेगा उसको हमें नाम दे देना है एस ठीक है नॉ स्टेप नंबर फाइव हो जाएगा आपका जॉइन वाई एस एंड प्रोड्यूस इट टू Any point Z then angle XYZ is the required angle equal to angle AOB. Okay. तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है y और s को ज्वाइंट कर देना है और इसको किसी नेक्स्ट पॉइंट z तक इंक्रीज कर देना है तो एंगल x y z जो है वो एंगल ए बी के इक्वल है ठीक है और इसको हमें अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से जितना एंगल ये होगा उतना ही वो भी होगा तो ये है आपका लगभग टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फोर्टी सेवन और इसको हम देखते हैं हम्म मिनट ओके तो दोनों को जो मैंने मेजर किया तो दोनों का मेजरमेंट लगभग एक ही जैसा है ठीक है हल्का फुल्का सा डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्शन में इतना हो जाता है ठीक है देखिए ओके अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं

एक रे हम ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है ये हो गया आपका ओ ये हो गया ए और अब हमें क्या करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से फिफ्टी डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है ठीक है तो ये हो गया आपका जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी डिग्री आपका यहाँ पे आ रहा है डॉट से लगा लिया पहले हमने इसके बाद हमें क्या करना है इन दोनों डॉट्स को डॉट को और इस पॉइंट को मीट कर देना है ठीक है ये हो जाएगा आपका बी पॉइंट ठीक है एंगल ए ओ बी ये हो गया आपका फिफ्टी डिग्री का एंगल ठीक है अब हमें क्या करना है इसका बाई सेक्टर खींचना है तो देखते हैं स्टेप नंबर वन क्या है स्टेप नंबर होगा आपका वन विद ओ एस सेंटर And any convenient radius. Draw an arc cutting OA and OB at P and Q रेस्पेक्टिवली ठीक है O को सेंटर मान के कोई भी एक कन्वीनियंट रेडियस हमें ले लेनी है ठीक है इस तरीके से और हमें एक आर्क लगानी है इस आर्क ने क्या किया है ओ ए और ओ बी को जिस पॉइंट पे कट किया है इन पॉइंट्स के नाम क्या है पी एंड क्यू ना स्टेप नंबर टू होगा आपका विद पी एस सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू ड्रॉ एंड आर्क अब क्या करना हमें पी को सेंटर लेके एंड मोर देन हाफ पी क्यू ये तो हाफ से भी ज्यादा है मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू ठीक है हमें क्या करना है एक आर्क ड्रॉ करनी है ठीक है स्टेप नंबर थ्री हो जाएगा विद क्यू एज सेंटर एंड सेम Radius as before, draw another arc cutting the previously drawn. आर्क एट पॉइंट आर अब हमें क्या करना है क्यू को सेंटर मानकर और सेम वही रेडियस से जो हमने पहले ली थी इस पहले वाले आर्क को कट करना है और जहां पर ये कट हुआ है उसको नेम दे देना है आर स्टेप नंबर फोर हो जाएगा आपका जॉइन O R and reduce it to any point X then ray O X bisect एंगल ए ओ बी ठीक है अब हमें क्या करना है ओ आर को ज्वाइंट करना है और इसे एक्स तक इंक्रीज कर देना है ना ये जो ओ आर है ये एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव कंस्ट्रक्ट एंगल ए ओ बी टू एटी फाइव डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर ड्रॉ अक्स बाई से ए ओ बी ठीक है ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर फोर के जैसा ही है फिर भी मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ लेट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एटी फाइव डिग्री ठीक है पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेती हूँ सारी फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट करके दिखा दूंगी आपको ठीक है तो हो जाएगा यहाँ पर विद o as center and any convenient radius draw and arc cutting oa and ob

कटिंग प्रीवियसली ड्रॉन आर्क एट आर फोर्थ स्टेप हो जाएगा आपका जॉइन ओ आर एंड प्रोड्यूस एट To any point X, join Ray OX, then Ray OX bisect angle AOB. ठीक है तो ये तो हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले एक लाइन यानी कि रे ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी मेजरमेंट की ठीक है यहाँ पे आपको नेम देना है ए और अब हमें क्या करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है तो ये हो जाएगा आपका टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी एंड एटी फाइव ठीक है तो अब हमें इन पॉइंट्स को दोनों को ओ और इस वाले पॉइंट को जॉइंट कर देना है और इसको दे देना है बी तो एंगल जो है एटी फाइव डिग्री का एंगल है अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा टेकिंग ओ एस सेंटर ओ को सेंटर लेके और कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इन दोनों लाइन से यानी कि रेस को पी और क्यू पर कट कर रहा है उसके बाद हमें क्या करना है टेकिंग पी एस सेंटर एंड मोर देन हाफ ऑफ्यू जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है ठीक है हमें क्या करना है एक आर्क ड्रॉ करनी है ठीक है उसके बाद हमारे स्टेप नंबर थर्ड क्या है Q को एस ए सेंटर लेना है हमें और प्रीवियसली ड्रॉन आर्क मतलब जो हमने रीडर्स ली थी वही लेनी है और इस आर्क को हमें कट करना है और जहाँ पर हमने इसको कट किया है उसको नाम देना है हमें आर ठीक है और अब हमें क्या करना है फोर्थ पॉइंट जो है हमारा ओ आर को हमें ज्वाइंट करना है और इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाना है और इसको नेम देना है हमें एक्स तो हमारा जो एंगल ए ओ बी का बायसेक्टर है वो क्या है ओ एक्स ठीक है ये दोनों एंगल हमारे इक्वल इक्वल होंगे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 85 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा

एंड परपेंडिकुलर टू ए बी यानी कि ए बी लाइन जो हमें लेनी है उस पर एक पॉइंट लेना है पी और उस पॉइंट से पास होते हुए हमें एक लाइन खींचनी है जो कि क्या हो परपेंडिकुलर हो एबी के। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जो हमारी एबी है लेट एबी बी द गिवन लाइन एंड पी बी पॉइंट ऑन इट तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी मेजरमेंट की उसको हम नेम दे देते हैं ए बी ठीक है थोड़ा सा दूर हो गया है ये तो हम इरेज कर देते हैं ए बी लाइन ले ली है और कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है इस पर पी ठीक है ना स्टेप नंबर वन ठीक है इसमें क्या होगा विद सेंटर पी एंड एनी रेडियस ड्रॉ अ सेमी सर्कल टू इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स एंड वाई ठीक है तो P को सेंटर लेके और कोई भी अपने कन्वीनियंट रेडियस लेके हमें क्या करना है एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जो कि ए बी को दो पॉइंट्स पे कट कर रही हो ठीक है इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं एक्स एंड वाई नेक्स्ट स्टेप नंबर टू होगा आपका विद सेंटर एक्स एंड एनी रेडियस मोर देन पी एक्स ड्रॉ एन आर्क ठीक है एक्स को सेंटर लेके और मोर देन हमें क्या करना है एक आर्क ड्रॉ करना है इस सेमी सर्कल पे ठीक है न स्टेप नंबर थ्री विद वाई एस सेंटर एंड द सेम Radius. Draw another arc. Cutting the previously drawn arc. Q. अब क्या करना है वाई को सेंटर लेके और वही सेम रेडियस जो अभी हमने एक्स से कट की थी हमें क्या करना है इस सेमी सर्कल पे कट लगाना है ठीक है बाद क्या करना है इसी आर्क से एक और कट लगाना है ठीक है और यहां से भी सेम वैसा ही एक और कट लगाना है जो इसको कट करे ठीक है देखिए अभी कंप्लीटली कट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इसको वापस रख के को और बढ़ाना पड़ेगा ठीक है तो जहां पर इसने कट किया है उसे हम पॉइंट को नेम दे देंगे Q. फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारा जॉइन पी क्यू ठीक है देन क्यू पी पेंडिकुलर एके QP को हम जॉइन कर देते हैं अब क्या हो गया हमारा जो क्यूपी है वो पेंडिकुलर हो गया है ए बी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय है एंड टेक केयर